जिले कुपवाड़ा के बीजेपी का सीनियर लीडर और स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर अब्दुलरशीद जरगर ने आज शिमरियाल का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान अवामी वफूदों से मलाकी हुई। इस दौरान इलाके शिमरियाल में जरूरी सहूलियात का फुकदान, जिस पर अब्दुलरशीद जरगर ने जिले इंतजामिया से अपील की इलाके शिमरियाल की अवाम की जो मुश्किल है इस पर तवज्जो की जरूरत है और PMAY को असर न वेरिफिकेशन जानी चाहिए। कुपवाड़ा से भट्ट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। भैया सबसे पहले मैं मीडिया का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी गरीब लोगों का साथ दे रहे हैं और हमारे साथ हर जगह पे चल रहे हैं और आपके माध्यम से ये बात हम सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और आज मैं यहाँ लोलाब शिमरियाल हल्के में आया हूँ, यहाँ एक पंचायत है। तो यहाँ जब मैं आया तो यहाँ इन लोगों ने डिमांड की कि यहाँ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं शेम करता हूँ उन अफसरों पर, उन मुलाजिमों पर जो चावल को मक्की बना रहे हैं और मक्की को चावल बना रहे हैं। ये इनके हाथ में है, इन्हीं चोरों के बेटे भी कल यही करेंगे। ये इस्तेमाल इन कश्मीर के लोग गरीब आवाम के साथ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से जिस साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ वो एक टीम भेजे, अगर ये ST में आता है तो जर्नल में कैसे इसका नाम आ गया? अगर इसका राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ भी है, अगर वे ST में आता है तो जर्नल में कैसे इसका नाम डाला? दरअसल इसके पास पैसे नहीं थे तो VLW साहब ने जो उस वक्त जियोटेक कर रहा था उसने क्या किया कि उस इनका नाम काट के बाकी लोगों को दिया। इसमें दोबारा वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तब तक ये IAY PMAY सिस्टम बंद होना चाहिए। दोबारा यहाँ से इसको वेरिफिकेशन होनी चाहिए और हक वाले को हक मिलना चाहिए। अब यहाँ मैं घर घर जाया गया हूँ, मैंने 5 वीडियो आपके पास मौजूद है, वो वीडियो आपको इसमें न्यूज़ में डालना है। तो जब मैंने देखा, एक घर में 2 भाई है, एक एक कमरा आ रहा है इनको, तब मैंने वहाँ देखा वो वीडियो इसमें है, वो डी साहब देखे, सारी न्यूज़ देखे डी साहब कि ये सच है या गलत है। अगर हम उम्मती मोहम्मद रसूल है, रसूल का एक वक्त सवाल हो गया था कि आप बताओ ऊँटने की कितनी टांगे हैं, वो नीचे उतर कर उसने देखा कि 4 है। फिर आया सवाल, यार रसूल आपने क्यों ऐसा किया? बोला हो सकता है कि अल्लाह करे इसमें।